भारतीय हिंदी सिनेमा में वैसे तो काफी धार्मिक प्रोग्राम चलाए गए हैं, लेकिन रामानंद सागर की रामायण ने लोगों के दिलों पर जो छाप छोड़ी है वह इतने वर्ष बीत जाने के बाद आज भी है। 80 के दशक में रामायण की शूटिंग की गई थी। रामानंद सागर के द्वारा बनाई गई रामायण बिना किसी टेक्नोलॉजी के किस प्रकार बनाई गई होगी, क्योंकि रामायण में दिखाए गए हर दृश्य बिल्कुल ओरिजिनल लगते हैं। आज के समय में जहां फिल्मों को अट्रैक्टिव बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी वह मजा नहीं आता जो 80 के दशक में बनाई गई रामायण में है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके मन में यह प्रश्न है कि बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के उस समय कैसे रामायण की शूटिंग की गई होगी, किस प्रकार से कलाकारों ने भूमिका निभाई होगी और रामायण को बनाने के लिए आखिरकार खर्च कितना आया होगा। आज हम आपको इस वीडियो के जरिए से इन सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इसी के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। रामानंद सागर ने जब रामायण बनाने के लिए सोचा होगा तो उन्हें यह बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि जिस रामायण को वह आम जनता तक पहुंचाने वाले हैं, वह सालों साल तक लोगों के दिल में राज करेगी। रामानंद सागर ने रामायण की शूटिंग जब शुरू की तो उससे पहले उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि रामायण की शूटिंग कहाँ की जाए। 80 के दशक में एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, इसीलिए ऐसी लोकेशन को चुनना था जहाँ पर घने वन हो, खाली मैदान हो और नदी भी हो। ऐसी जगह चुनने के लिए रामानंद सागर ने पहले काफी रिसर्च की, उसके पश्चात यह निर्णय लिया गया कि रामायण की शूटिंग गुजरात के छोटे से शहर उमर गांव में की जाएगी। यह शहर है तो छोटा और यहां पर आबादी भी कम है, इसीलिए यहां पर शूटिंग करने में आसानी हुई। उमरगांव मुंबई से लगभग 4 घंटे की दूरी पर स्थित है। आपको बता दें कि लगभग 550 दिन में यहां पर 78 एपिसोड फिल्माए गए थे। कहा जाता है कि अधिकतर कलाकार यहीं पर रुक जाया करते थे क्योंकि मुंबई से उमरगांव का रास्ता काफी लंबा है। इस शो में रावण की भूमिका निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी ट्रेन पकड़कर शूटिंग के लिए आते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस दिन रामायण की शूटिंग का अंतिम दिन था, सभी कलाकार काफी ज्यादा भावुक भी हो गए थे क्योंकि रामायण की शूटिंग के दौरान कलाकारों में काफी मेलजोल हो गया था। कहा जाता है कि जब रामायण का प्रसारण किया जाता था तो सड़कें सुनसान हो जाती थी क्योंकि सभी अपने घरों में रामायण को देखते थे। जिन लोगों के घर में टीवी नहीं होता था वह पड़ोसियों के घर में बैठकर रामायण देखते थे। लोग रामायण को सिर्फ एक धारावाहिक कार्यक्रम नहीं बल्कि भगवान राम की साक्षात छवि समझते थे, इसीलिए जब रामायण शुरू होती थी तो लोग हाथ जोड़ते और कई लोग तो फूल भी चढ़ाते थे। भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोबिल और माता सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चकिया की जोड़ी को लोग सच में राम सीता की जोड़ी समझते थे। लोगों को रामायण देखकर ऐसा लगता था कि राम का किरदार निभा रहे अरुण गोयल सच में ही भगवान है। अरुण गोयल ने काफी बार बताया है कि जब भी वह कहीं पर जाते थे लोगों उन्हें पहचान लेते थे तो वह उनको इस प्रकार से देखते थे जैसे भगवान राम उनके सामने आ गए हो। लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील बताते हैं कि रामायण में हनुमान जी को आसमान में उड़ते हुए काफी बार दिखाया गया है और हनुमान जी को हवा में उड़ते हुए दिखाना 80 के दशक में इतना आसान नहीं था। जानकारी के मुताबिक जब एक सीन में हनुमान जी एक हाथ पर भगवान राम और एक हाथ पर लक्ष्मण जी को बिठाया था तो उस सीन को करने में सभी कलाकारों को काफी मजा आया था। इस सीन को फिल्माने के लिए क्रोमा तकनीक और कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। जब यह सीन फिल्माया गया तो किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस सीन को किस प्रकार से दिखाया जाएगा, लेकिन जब इस दृश्य को दिखाया गया तो यह उस समय का सबसे बेहतरीन सीन बन गया। इस सीन को देखने के बाद रामायण के सभी कलाकारों को काफी अच्छा लगा। इसी के साथ जब आम जनता ने इस सीन को देखा तो वह खुद को ताली बजाने से नहीं रोक पाए क्योंकि 80 के दशक में साधारण तरीके से इतना अच्छा सीन छोटे पर्दे पर लोगों ने पहली बार देखा था। रामायण के डायरेक्टर रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर बताते हैं कि जब रामायण की शूटिंग चल रही थी तो उमरगांव के आसपास के काफी लोग रोज भगवान श्री राम के दर्शन करने पहुँच जाते थे। इतना ही नहीं, बहुत वीआईपी लोग भी शूटिंग के दौरान सभी कलाकारों से मिलने आए हैं। रामायण को लोगों ने इतना पसंद किया कि आज भी राम सीता की जोड़ी सब लोग पसंद करते हैं। रामानंद सागर बताते हैं कि रामायण की शूटिंग करने के लिए कोई भी समय निर्धारित नहीं किया गया था,
जब तक दृश्य कंप्लीट नहीं होता था तब तक शूटिंग चलती रहती थी। कभी कभी तो सुबह 6 बजे से रात के 3 बजे तक भी शूटिंग करनी पड़ती थी। पूरे दिन और रात शूटिंग के बाद भी सभी कलाकार पूरी लगन से अपना काम करते थे और सभी कलाकारों की खाने पीने की व्यवस्था यहीं पर अच्छे तरीके से की गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार तो हनुमान जी की भूमिका निभा रहे दारा सिंह को 3 बजे उठकर भी मेकअप करवाना पड़ता था, क्योंकि इनके मेकअप में 3 से 4 घंटे का समय लगता था। इस शो में जो जूनियर आर्टिस्ट काम करते थे उन्हें इकट्ठा करना भी एक काफी बड़ी चुनौती थी। कहा जाता है कि गांव में ढोल और नगाड़े बजाकर उन लोगों को इकट्ठा किया जाता था। रामानंद सागर जी के द्वारा यह बताया गया है कि वह लोगों को शूटिंग के दौरान भत्ता और खाना फ्री में दिया करते थे। दोस्तों, राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोयल ने यह भी बताया है कि पहले उन्हें राम जी के रोल के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था। रामायण की शूटिंग शुरू होनी थी, उससे पहले भगवान राम के किरदार के लिए ऑडिशन स्टार्ट हुए और अरुण गोयल भी ऑडिशन देने आए थे, लेकिन टीम को उनकी कलाकारी पसंद नहीं आई थी और उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन कुछ समय बाद दोबारा से रामानंद सागर ने उन्हें वापस बुलाया। जब ऑफिस पहुँचे तो उनकी हल्की सी मुस्कान देख कर रामानंद सागर ने उन्हें रोक लिया। सीता का रोल निभाने वाली दीपिका चकिया पहले भी ग्रेड मूवी में काम कर चुकी थी। उसके पश्चात उन्होंने विक्रम बेताल कार्यक्रम से छोटे पर्दे में अपने करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद रामानंद सागर ने इन्हें माता सीता के रोल के लिए चुन लिया था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रामायण में रावण का किरदार निभा रहे अरविंद त्रिवेदी को अपने लुक के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। घंटों तक उनका मेकअप किया जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो मुकुट वह पहनते थे उसमें 10 किलो वजन था। इसके अलावा गहने और कपड़ों का वजन भी काफी ज्यादा था, फिर भी वह इतने अच्छे तरीके से अपनी भूमिका निभाते थे। अरविंद त्रिवेदी ने इस प्रकार से रावण की भूमिका निभाई कि इनकी छवि लोगों के मन में गढ़ गई थी। चलिए हम आपको बताते हैं कि रामायण को बनाने के लिए कितने पैसे खर्च हुए थे। रामायण के एक शो को फिल्माने के लिए लगभग 9 लाख रुपए का खर्चा आता था। रामायण के कुल 78 शो बनाए गए थे, जिसे बनाने के लिए 550 दिन का समय लगा था। अब आप यह सोच लीजिए कि 35 साल पहले फिल्माई गई रामायण के हर शो के लिए 9 लाख रुपए लगता था, जो आज के समय के 1 करोड़ के बराबर है। कहा जाता है कि रामायण ने दूरदर्शन को 23 करोड़ की कमाई करके दी थी, जो 35 साल पहले अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ी रकम थी। दोस्तों, आज इस वीडियो के जरिए हमने आपको रामायण की शूटिंग और रामायण के बजट के बारे में पूरी जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि उन्हें भी भारत के नंबर 1 धार्मिक शो रामायण के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक जरूर करना।